obtained from बेर एंड पलाश. किस प्लांट से मिलती है बेर? बेर का क्या है बॉटनिकल नेम? जिजिफस मॉरिटेनस. और पलाश ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. ठीक है बेटा, तो बेस्ट क्वालिटी की लैंग कौन सी होती है? कुसुमी लैंग होती है, कुसुमी लैंग होती है. और ये किससे मिलती है? बेर और पलाश से. ठीक है, लैक इंसेक्ट कैसा होता है? पैरासाइट. उसका जो लैक है, लैक जो है वो कैसा प्रोडक्ट होता है? एक्सक्रीटरी सीक्रेटरी प्रोडक्ट होता है. कहाँ पर सीक्रेट करता है? डर्मल की ब्रांचेस. वहाँ डर्मल ग्लैंड से सीक्रेट होता है. कहाँ पर करता है? लीफ की ब्रांचेस के ऊपर. आप लोगों ने बबूल के पेड़ पर देखा होगा उसको, मतलब कभी ऑब्जर्व किया हो, जैसा गम लाइक स्टिकी सब्सटेंस जो होता है ना, तो वहाँ पर जो है लाख जो होता है वो मिल जाता है. और लैक किससे सीक्रेट किया जाता है? लार्वा का बताया था आपको. लार्वा मेल फीमेल तीनों जो है लार्वा का सीक्रेट करते हैं. लार्वा भी करता है, मेल भी करता है और फीमेल भी करता है. पर सबसे ज़्यादा लार्वा का सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल के द्वारा किया जाता है. फीमेल और मेल दोनों अलग अलग होते हैं. इजीली बाहर से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हो? फीमेल में क्या एब्सेंट होता है? आइज, लेग्स और विंग्स एब्सेंट होते हैं फीमेल के अंदर. ठीक है, मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में अब्सेंट होते हैं. अच्छा, और उसके बाद फिर भी आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो ट्री के ऊपर ये मेल चैम्बर है या फीमेल चैम्बर है? तो मेल के जो चैम्बर होते हैं वो कैसे होते हैं? सिगार शेप होते हैं. ठीक है, और फीमेल के जो चैम्बर होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं. तो ऐसा आइडेंटिफाई एक्सटर्नली भी आप कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है. कहाँ पर सीक्रेट कर रहा है? ट्री की ब्रांचेस पर. ठीक है, एक साल में कितने बार उसकी ली जा सकती है फसल? क्रॉप कितने बार ले सकते हो? लाख की 2 times. ठीक है, कितने बार ली जाती? 2 बार ली जाती. एक बार जून जुलाई में और एक बार अक्टूबर नवंबर के अंदर ली जाती. 2 बार इसकी फसल ली जाती है. मतलब इसकी लाइफ साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 6 months में कंप्लीट हो जाती है. तो एग, एग से बाहर निकलता है जो लार्वा, उसको क्या कहा जाता है? निम्फ. और ये निम्फ किसमें चेंज होता है? एडल्ट के अंदर. अब एडल्ट के अंदर चेंज होता है तो 70% तो इसके अंदर क्या होती है? विंगलेस फीमेल. और 30% होते हैं विंग मेल. ज़्यादा लैग कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फीमेल प्रोड्यूस करती है. ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा लैग कौन प्रोड्यूस करता है? फीमेल. ठीक है, और ये क्वेश्चन में लिखवा ही नहीं है जी, बच्चों नोट नहीं करा, फिर से नोट कर लीजिए. क्वालिटी ऑफ लैग डिपेंड ऑन आंसर नेचर ऑफ होस्ट प्लांट. और बेस्ट क्वालिटी लैग ऑब्टेंड फ्रॉम, बेस्ट क्वालिटी लैग कौन सी होती है? कुसुमी लैग होती है. और ये कहाँ कौन से प्लांट से मिलती है? बेर और पलाश से. इंडिया की पोजीशन कौन सी है लैग कल्टिवेशन में? फर्स्ट पोजीशन. कितना परसेंट वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है? 75%. और अगर इंडिया में बात करें सबसे ज़्यादा झारखंड. ठीक है ना, आई मैं जूनी का याद है आप लोगों को ना, झारखंड याद है. मिक्स मतलब मैं मैचिंग कर लूँगी आप लोग. ठीक है, तो एग, एग से क्या बाहर निकला है? निम्फ. और 70% कैसी होती है? विंगलेस फीमेल. फीमेल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और 30% विंग मेल. इस पर एक क्वेश्चन ही जो है अगर पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है किसी ईयर में, और अगर आता भी है तो ओनली वन क्वेश्चन आता है. ओनली क्या आता है? वन क्वेश्चन आता है लैग इंसेक्ट के ऊपर. और मेन जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दिया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लर्न ही करवा दी. कैसा पैरासाइट पर आ सकता है क्वेश्चन? कैसा सिक्रेशन होता है? रेजाइनस सिक्रेशन होता है. लैग में मेन क्या होता है? रेजिन. 68 to 90% लैग में क्या होता है? रेजिन. फिर फीमेल जो इंसेक्ट है वो, अच्छा कल एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था इंसेक्ट में कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट होता है जो काटने के बाद में मर जाता है? बी. बी है ना, उसमें दिया था हनी बी, वैस्प, बीटल और एक और कुछ ऑप्शन दिया था केबीसी के अंदर. तो आप लोग आता ही है ना बेटा, यह देखा था आपने, है ना ये क्वेश्चन. और एक तीन क्वेश्चन इंसेक्ट में और क्या आया था, मतलब मैच करना था हमें कोल्ड ब्लडेड वाला. हाँ, कोल्ड ब्लडेड भी आ चुका है. और अभी भी उसका पूछा था कि किसमें, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था. इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका पूछा था? पैरेट का पूछा था. पैरेट के बाद में इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद में स्पाइडर, और स्पाइडर का क्या दिया था? डॉग. तो कैसा ऑर्डर रहेगा इसके अंदर, मतलब ए बी सी डी? इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको कहा जाए, उसके बाद दिया था डॉग, उसके बाद दिया था इंसेक्ट, और इंसेक्ट के बाद में दिया था स्पाइडर. बताइए आप जब ये सीक्वेंस के अंदर कौन सा सीक्वेंस लेना चाहिए?
किसी ऑर्डर में आपको जमाना है बताइए। आपको कल भी एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना बेटा, तो आप लोगों को ही मालूम होगा। बताइए कौन बता रहा है। ठीक है, लेग्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, है ना। हाँ लेग्स के, हाँ लेग
होता है, बट फार मोर बाय फीमेल देन मेल्स.
है तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है इतना पॉइंट नहीं दिया रखो तो लाइफ साइकिल मतलब इनाप होता है एक साल में कितनी बार ली जा रही है बेटा एक बार अक्टूबर नवंबर और एक बार जून जुलाई एग्रीकल्चर की बुक्स में इनके हिंदी नाम भी दिए रहते हैं मैं ऐसे कहता था जून जैसे डेट भी है ना कार्तिक अगर ही वैसा की एग्जैक्ट जो ईयर ईयर ना मंथ से आपको हिंदी में भी उसका कहते हैं जून इस तरह ठीक है उसका कह लिया लैग कल्टीवेशन हेडिंग लगी है लैग कल्टीवेशन ज्यादा कौन सा मेथड जो है इम्पोर्टेंट होता है एक तो नेचुरल होता है एक आर्टिफिशियल पर ज्यादा लैग प्रोड्यूस किससे होती है आर्टिफिशियल मेथड से लाख को पेड़ से अलग करना इसे क्या कहा जाता है हार्वेस्टिंग ये चीज तो नोट करने की जरूरत नहीं ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नीचे का द लैग प्रोड्यूस बिफोर पॉइंट के हम द लैग प्रोड्यूस बिफोर फार्मिंग इज कॉल्ड इमैच्योर लैग और एरी लैग स्वार्मिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया है एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बांध देंगे टाई कर देंगे तो लार्वा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाते हैं उसको क्या कहा जाता है स्वार्मिंग तो स्वार्मिंग के पहले की जो लैग होती है उसको क्या कहा जाता है इमैच्योर लैग और एरी लैग ठीक है नेक्स्ट सीखेगा सेकंड Leg produced after swarming is called mature leg next लिखिए ना the leg initially collected is called Initially collected is called seed leg which after purification gives button leg. प्योरेस्ट फॉर्म है बिल्कुल शुद्ध प्योरिफिकेशन के बाद में जो लैग मिल रही है वो कौन सी लैग होती है बटर लैग फिर लिखिएगा कीली लैग नेक्स्ट लिखिएगा कीली लैग इज द लैग विथ विथ many impurities और ये लेग किससे मिलती है जो एरिया लेग का इंसेक्ट कौन सा होता है केरिया लेग का ठीक है और इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है सबसे बेस्ट लाग कौन सी है इसके अंदर मतलब ये जो लेग है इससे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लेग इज बटर लेग ठीक है स्वार्मिंग के पहले की लाख एरी है ना इमैच्योर तो वैसे भी याद रह जाएगा याद कौन सा वर्ड रखोगे एरी ठीक है उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद में इनिशियली जो लाख मिली थी शुरुआत में सीड लेग और सीड लेग से प्योरिफिकेशन के बाद में कौन सी लाख मिली बटर लाख और इम्प्योरिटीज वाली लाख कौन सी होती है कीली लेग और कीली लेग किससे मिलती है केरिया लेग का इंसेक्ट का नाम क्या बेटा केरिया लेग का जीनस क्या उसका केरिया लेग का ठीक है अब इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है लिखिएगा 2 करोड़ लैग सॉरी 2 करोड़ किलो लैग इज प्रोड्यूस एवरी ईयर टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन में देखो तो 75% मोर देन 60% आजकल रिसेंटली जो कहा जाता है इसमें लिखा 50% झारखंड झारखंड का रीजन होता है छोटा नागपुर
एक नागपुर महाराष्ट्र में और ये झारखंड वाला छोटा नागपुर। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्टार वाला लिख लीजिएगा, इंडियन लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम, नामकुम रांची। अब कंपोजिशन आप नोट्स में देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रेजीन 68 to 90%। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लैग इज रेजीन देखिएगा 68 to 90%, वैक्स 6% है, शुगर 4% है, डाई है, एल्बुमिनस मेटल है, ग्लू है 5 to 10%, और वाटर और मैन क्या जाएगा मेरा क्वेश्चन रेजीन पर, और बाकी अगर ना लैग जो है कंपोज ऑफ किस किस से मिलकर बनी है तो ये सारी चीजें रहेगी। ठीक है, याद रखें रेजीन, वैक्स, शुगर, डाई, एल्बुमिनस मेटल और एजी का परसेंटेज आपको याद रखना है। इतना कंपटीशन के हिसाब से बहुत है, और जो लैब के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है वो आप आगे आप पढ़ते हो, जैसे टूपे सिस्टम होता है जो लैब से रिलेटेड होता है, एक सिस्टम होता है टूपे सिस्टम, वो भी किससे संबंधित होता है, किससे रिलेटेड होता है लैब से। भाई कॉम्पिटिशन के हिसाब से इतना टॉपिक आपका काफ़ी है, और फिर मान लिया कुछ एडवांस ही पूछ लिया, जैसे कुछ एडवांस में अभी लिखवाऊंगी भी आपको, स्कोर में से कुछ बता दूंगी, कुछ पॉइंट्स है जैसे एनिमीज ऑफ लैग इंसेक्ट, पहले भी क्वेश्चन पूछा था, वो आते हैं लेपिडॉप्टेरियन ऑर्डर के। ठीक है, तो लेपिडॉप्टेरियन ऑर्डर के लिख लीजिए एनिमी ऑफ लैग इंसेक्ट, एनिमी ऑफ लैग इंसेक्ट बिलोंग टू ऑर्डर, एनिमी ऑफ लैग इंसेक्ट बिलोंग टू ऑर्डर लेपिडॉप्टेरा, आंसर लेपिडॉप्टेरा। ये आपको इतना पढ़ा दिया है हनी बी के अंदर जितना ट्वेल्थ के अंदर दिया रहता है ना, इन ऑफ फूड, नीट में भी इतना ही बच्चे पढ़ते हैं जितना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर मान लो क्वेश्चन इससे भी कहीं डिटेल में चला जाता है, कोई एग्रीकल्चर पॉइंट से कॉलेज से उठा रहता है क्वेश्चन, तो ऐसे भी कुछ पॉइंट स्कूल बुक होती है फिर तो कॉलेज में तो पूरी एंटमोलॉजी की बुक आती है, एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी की बुक आती है जिसमें हनी भी बहुत डिटेल में दी रहती है, सिल्क वॉर्म भी दिया रहता है और लैग इंसेक्ट। तो हर बार क्या करती हूँ बुक से मैं कुछ पॉइंट तो एग्रीकल्चर की बुक से भी आपको नोट करवा देती हूँ, और कुछ पॉइंट्स और मतलब ये टॉपिक सफिशिएंट है और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम करने में। पर पीएटी का क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, जैसे मान लो नेट है उसका भी फिक्स है कि नेट के जो 90 क्वेश्चन है उसमें से 80 to 85 क्वेश्चन टोटली किसके बुक के बनते हैं, एनसीईआरटी की बुक के, उनका क्राइटेरिया फिक्स है कि 11th की बुक पढ़ ली आपने, 12th की बुक पढ़ ली, तो आपका कोई 80 to 85 क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे। और सिर्फ 5 क्वेश्चन जो रिमेनिंग होते हैं वो क्या होता है, उनका प्रैक्टिकल बेस मतलब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो होते हैं टॉपिक से ही, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, लाइन टू लाइन नहीं होते हैं। बाकी 80 क्वेश्चन तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बुक के रहते हैं, मतलब नीट में इतना ईजी है। पीएटी में पर्टिकुलर एमपी पीएटी के अंदर ना इतना फिक्स नहीं कर रखा है, मतलब सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दिया है, जैसे उसके अंदर जो आप देखते हैं सिलेबस जो आपको दिया हुआ है बुलेटिन के अंदर, उसमें दे दिया फर्स्ट टॉपिक प्लांट एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन कहाँ के पूछ लिए जाते हैं, मॉर्फोलॉजी के, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, तो हम बच्चों को वो टॉपिक भी कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, अब सेल है, सेल में सिर्फ लिख दिया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अब अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे 11 में तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक टॉपिक है, और फिर आता है सेल डिवीजन, पर क्वेश्चन डिवीजन पर भी पूछे गए तो हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, उसके बाद में डीएनए आरएनए वगैरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी रेप्लिकेशन का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, मतलब यहाँ पर फिक्स सिलेबस। अब सिर्फ जेनेटिक्स दे दिया, जेनेटिक्स तो काफ़ी डिटेल होता है, मतलब उसका कोई लेवल नहीं दिया है, मतलब जेनेटिक्स अगर पढ़ो तो साथ में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कभी उस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पीएटी में कभी कभी बहुत डिटेल क्वेश्चन भी चले जाते हैं, पर अगर इतना डिटेल चला जाता है तो वो सबके लिए आउट ऑफ जैसा हो जाता है। ठीक है, वैसे हमारे पढ़ाई में से अगर टॉपिक के क्वेश्चन है तो कंप्लीट क्वेश्चन बनेंगे, मतलब इतना आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, अगर आउट कोई क्वेश्चन होता है तो वो सबके लिए आउट होता है, जैसे एक पेपर आप देखोगे आपको आगे 10 ईयर्स के पेपर मिलेंगे, एक पेपर आया था 2008 मेरा, मतलब 2009 से जो है मेरा फर्स्ट बैच निकला था, और 2008 के बैच का मैंने पेपर देखा था तो उसमें कितने क्वेश्चन मतलब जूलॉजी के क्वेश्चन बच्चों को पूछ लिए थे, जबकि वो आपके पीएटी के सिलेबस में ही नहीं है। जैसे एसएनओट वगैरह आप कहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो कि आप लोगों को मालूम होगा एसएनओट क्या है,
पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ये सारे टर्म्स आपको पता ही नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे वो साल में देखा था मैंने। उसके बाद मैं ऐसा नहीं देखा, 2018 में जरूर 2-3 क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ देखे थे, मतलब जो होते तो बायो के क्वेश्चन हैं पर जो आपके टॉपिक नहीं होते हैं उनके क्वेश्चन, बाकी टॉपिक आपका ये कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आज क्योंकि टॉपिक कम्प्लीट है तो कुछ पॉइंट्स और मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ये आपका मेन टॉपिक कम्प्लीट है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपको और बता दीजिएगा, फिर इसके बाद में भी आपको कुछ लगता है तो आप पूछ लीजिएगा। It takes place during the
स्प्रिंग और अर्ली समर में
बी हाइव को छोड़ देती है और इसे क्या कहा जाता है एफ कॉर्निंग। ये स्वार्मिंग से अलग होती है, ठीक है, ये स्वार्मिंग से डिफरेंट प्रोसेस है। फरार होना मतलब सारी की सारी चली गई। इसके बाद में लिखिएगा मैरिज फ्लाइट, मैरिज फ्लाइट में भी क्वेश्चन बन सकता है। मैरिज फ्लाइट ये लिखवा दिया मैंने ना। अच्छा, प्राइमरी स्वार्मिंग किसके द्वारा की जाती है बेटा? ओल्ड क्वीन के द्वारा। और सेकंड स्वार्मिंग? याद रखना है कि फर्स्ट किसके द्वारा होती है? ओल्ड। और सेकंड? न्यू। ये हो गया। अब आपका रहा है सिर्फ बचा हुआ टर्माइट, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ एक बार इसका क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और वो क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। उसके बाद में मैंने अभी तक टर्माइट का कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। 2009 में तो उस पर भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया ग्राम कैटरपिलर पर। कम से कम उसका जूलॉजिकल नेम और इतनी चीजें लिखवा देते कभी बाई चांस कुछ पूछ लिया जाए। टर्माइट दीमक बेटा सबने देख रखी है, खुद के ऊपर लगती है, सभी ने देख रखी है। इनके जो घर होते हैं, इनके जो हाउस होते हैं, क्या कहा जाता है बेटा? यह ऐसे कहा जाता है बमीठा। फाइलम ऑर्थोपोडा क्लास उसका देन क्लास का आ गया ऑर्डर। ऑर्डर जो है इसका आइसोप्टेरा। इसका ऑर्डर कौन सा होता है? आइसोप्टेरा। ऑर्डर क्या है? फैमिली जीनस और स्पीशीज। तो जीनस इसका होता है ऑडेंटोटर्मिस, ऑडेंटोटर्मिस ओबेसी, ऑडेंटोटर्मिस ओबेसी, ठीक है बेटा। तो ये इसका नाम होता है। अगर फैमिली देखो तो ऑडेंटोटर्मिडी टर्माइट के अंदर, और इसके अंदर जैसे हनीबी में आपने 3 स्पीशीज पढ़ी थी, इससे 4 स्पीशीज होती है। एक होती है किंग, क्वीन, वर्कर और सोल्जर। किंग, क्वीन, वर्कर और सोल्जर। किंग कैसा होता है? फर्टाइल। क्वीन भी कैसी होती है? वर्कर कैसा होता है? और सोल्जर भी कैसा होता है? किंग फर्टाइल होता है, इसके अंदर विंग प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है? मेल। क्वीन कैसी होती है? फर्टाइल होती है, विंग होती है, फीमेल होती है, फर्टाइल फीमेल, ठीक है ना। वर्कर जो होता है वो स्टेराइल होता है, विंग लेस होता है, और इसमें वर्कर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। और सोल्जर जो होता है वो स्टेराइल होता है और विंग लेस होता है, और सोल्जर ओनली कौन होता है? मेल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था या तो वर्कर को पूछा था या सोल्जर को पूछा था, पीएटी 2009 के अंदर। देखकर मुझे इस क्वेश्चन को या पेपर से, तो पीएटी 2009 का क्वेश्चन ही है।
पढ़ना है वो कर ही लेंगे बच्चे, ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स में। सेंट्रल कोर किसकी बनी होती है? फाइब्रिन की।
कमर्शियली सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम ए कोकून व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज यूजफुल फॉर अस मस्कम बॉम्बिक्स फेरेटिमा पेरिप्लेनेटम इरिस सिल्कवॉर्म इज ग्रोन ऑन मलबरी लीफ नीम लीफ खेरी लीफ और कैस्टर लीफ कौन सा होता है?